दोस्तों, नवजोत सिंह सिद्धू के बाद एक और कांग्रेस नेता अपने पाकिस्तान प्रेम के कारण विवादों में घिर गए हैं। बॉलीवुड अभिनेता और पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की पाकिस्तान यात्रा इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। मजेदार बात यह है कि नवजोत सिद्धू की तरह शत्रुघ्न सिन्हा भी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। पहले शत्रुघ्न सिन्हा की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें वे पाकिस्तानी अभिनेत्री रीमा खान के साथ एक विवाह समारोह में कवाली नाइट का आनंद ले रहे हैं। लेकिन शनिवार को शत्रुघ्न सिन्हा की पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी से मुलाकात और कश्मीर के हालात पर चिंता जताने की खबर ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया है। दोस्तों, आज हम शत्रुघ्न सिन्हा की पाकिस्तान यात्रा का विश्लेषण करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कांग्रेस नेताओं के पाकिस्तान प्रेम के संबंध में दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। चलो अब शुरू करते हैं। फिल्म अभिनेता से राजनेता बने शत्रुघ्न सिन्हा लाहौर के कारोबारी मियां असद एहसान के बेटे के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए लाहौर गए थे। समारोह में शत्रुघ्न सिन्हा पाकिस्तानी अदाकारा रीमा खान के साथ कवाली का आनंद लेते हुए देखे गए थे। इस कार्यक्रम की वीडियो और फोटो लाहौर के एक फोटोग्राफर ने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर अपनी पाकिस्तान यात्रा को पूरी तरह से निजी बताया था। उन्होंने कहा कि उनकी पाकिस्तान यात्रा का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और शत्रुघ्न सिन्हा को ट्रोल किया जाने लगा। एक यूजर ने लिखा, भारतीय सैनिक देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए शहीद हो रहे हैं और बॉलीवुड सेलिब्रिटी पाकिस्तानियों के साथ अपनी दोस्ती निभाने में व्यस्त हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा कि शत्रुघ्न सिन्हा लाहौर में क्या कर रहे हैं, हम उनसे इस बारे में पूछेंगे तो वे सिर्फ खामोश कहेंगे। एक अन्य यूजर ने तो शत्रुघ्न सिन्हा के लिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ही लिख दिया। लेकिन शनिवार को शत्रुघ्न सिन्हा की पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी से मुलाकात ने आग में घी का काम किया। यह मुलाकात लाहौर के गवर्नर हाउस में हुई थी। मुलाकात के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने दावा किया कि कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कश्मीर की मौजूदा स्थिति पर उनकी चिंता का समर्थन किया है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति के दफ्तर द्वारा इस मुलाकात के संबंध में ट्वीट भी किया गया। ट्वीट में कहा गया कि दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच शांति का पुल बनाने के महत्व पर चर्चा की। शत्रुघ्न सिन्हा ने कश्मीर में 200 से अधिक दिनों से लॉकडाउन पर पाक राष्ट्रपति की चिंता का समर्थन किया। ट्वीट के अनुसार मुलाकात में भारतीय उपमहाद्वीप में शांति के लिए दोनों देशों के बीच पुल बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया। नवजोत सिद्धू और मनी शंकर अय्यर के बाद शत्रुघ्न सिन्हा की पाकिस्तान यात्रा ने एक बार फिर कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है। देश भर में CAA, NRC और NPR पर अपने स्टैंड के कारण पहले ही कांग्रेस बैकफुट पर है। शत्रुघ्न सिन्हा की इस हरकत ने भाजपा को कांग्रेस पर हमला करने का एक और मौका दे दिया है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।